वेलकम टू डी डी अकैडमी। सी डी पी के कुछ एम सी क्यूज़ उन्होंने फिर अज आप डिस्कस करांगे जी। तो लास्ट से एक साइकोलॉजिस्ट जिदे विचों सी टैट पी टैट या अदर स्टेट्स स्टेट के जो टैट्स ने उन्होंने क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने बारे भी डिस्कस करांगे। शुरुआत करते हैं जी आप अपने अज के लैक्चर की, जिदे विच अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जी अपना, वट मेक्स द स्टूडेंट एक्टिव एंड अटेंटिव इन अ क्लास। विद्यार्थियों को क्लास में क्रियाशील और सुचेत की करता है। बच्चों है जी जो बच्चे क्लास के पढ़ते हैं तो कौन चीज़ है जो उन्होंने की करती है, एक्टिव करती है। क्लास के एक जो है बच्चा की है अटेंटिव रहे, यानी कि क्लास में प्रेजेंट रहे। फिजिकली तो बच्चा होता ही है, मैंटली भी जो कि है वह अटेंड करे क्लास में, तो उसके लिए की किया जा सकता है। अपने जो है ऑप्शंस ने इंप्रेसिव लैक्चर कि जो थोड़ा लैक्चर है वह प्रभावशाली होना चाहिए। नंबर बी जो है अपनी वरायटी इन आ प्रजेंटेन, पेशकारी भिन्नता होनी चाहिए है। सी एग्जाम्पल्स उदाहरण बहुत ज़्यादा होनिया चाहिए ने, या डी कलरफुल डायग्राम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्वेश्चन है जी कि बच्चे किस तरीके क्रियाशील तो सुचेत रख सकते हो क्लास के। तो इससे थोड़ी जो राइट ऑप्शन है जी, थोड़ी राइट ऑप्शन बनेगी ऑप्शन नंबर बी, वैरायटी इन प्रेजेंटेशन। तुसी वक् वक् तरीकों का प्रयोग करोगे बच्चे नू टीच करन दे लिए, अपने टीचिंग मैथड्स दे नू जो है अलग अलग तरीके दे मैथड्स यूज़ करोगे तो वो चीज़ बच्चे नू की करती है, अट्रैक्ट करती है, बच्चे नू सिक्ख्या वाल की करती है, प्रोत्साहित करती है। तो तुहाडी जो टैक्नीक्स ने वो कुछ इस तरीके दे होने चाहिए ने कि बच्चे नू की करे अट्रैक्ट करे टीचिंग दे वाल। ठीक है जी, तो इससे अपनी राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी, वैरायटी इन अ प्रेजेंटेशन, पेशकारी विच भिन्नता होनी जरूरी है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी इन द क्लास रिस्पोंड करेक्टली टू द क्वेश्चन आस्क्ड आफ्टर टीचिंग अ लेसन, हाउ विल यू रिस्पोंड। क्लास विच पाठ पढ़ाने तो बाद पूछे गए सवालों का सही उत्तर कोई भी नहीं दिंदा, तुसी की प्रतिक्रिया करोगे इसके लिए कि तुसी क्लास के विच जो है लैक्चर दिता है, तुसी कुछ पढ़ाया है बच्चे नू पाठ पढ़ाया है, पर उससे बाद जो तुसी उन्होंने तो क्वेश्चन पूछते हो उससे पाठ के बच्चों तो तुहानू रिस्पोंस नहीं मिलता, रिस्पोंड बच्चे नहीं कर रहे, तो इस जो है सिचुएशन विच तुहाडी की प्रतिक्रिया होएगी, तुसी की करोगे एज अ टीचर। ये अपना जी क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ी ऑप्शनस ने, शाउट एट द होल क्लास कि तुसी सारी क्लास के उपर चिल्लाओगे, या बी इग्नोर नज़रअंदाज कर दोगे इस चीज़ नू, ऑप्शन नंबर सी से दैम टू लर्न उन्होंने याद करन दे लई कहोगे, या फिर डी रिव्यू द मैथड ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन अगेन, अध्यापन के ढंग से पुनर्विचार करके दोबारा व्याख्या करोगे। तुसी लैक्चर दिता, तुसी बच्चे नू पढ़ाया क्लास के विच, बट जदों तुसी क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुहानू उसका रिस्पोंस नहीं मिल पा रहा, तो इस सिचुएशन दे विच एज अ टीचर की करना चाहिए जी। सब तो पहले की तुसी बच्चे दे उपर चिल्लाओगे इस चीज़ नू लेके, या फिर नज़रअंदाज करोगे, या फिर उन्होंने याद करन लई कहोगे, या फिर खुद के जो थोड़े टीचिंग मैथड्स ने उन्हां उपर ध्यान दोगे तो दोबारा की करोगे एक्सप्लेन करोगे बच्चे नू। ठीक है जी, तो अपना इसका जो राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू द मैथड ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन अगैन, अध्यापन के ढंग से पुनर्विचार करोगे और दोबारा व्याख्या करोगे, क्योंकि बच्चे नू पढ़ाना जो है हर एक सिचुएशन बच्चे नू पढ़ाना मेन मोटिव हुंदा है। बच्चा पहली तरीके दे नाल नहीं सीख पा रहा, तो एज अ टीचर रिस्पोंसिबिलिटी बनती है एज अ फैसिलिटेटर कि आप अपने मैथड्स दे विच चेंजेस लैके आईए, तो बच्चे की जो लर्निंग है उसनू स्मूद ते सौखी बनाने दी करिए एक कोशिश करिए ताकि बच्चा आसानी नाल सीख सके। तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू द मैथड ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन अगैन। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, हाउ विल यू डील विद अ स्लो लर्नर इन योर क्लास। अपनी क्लास में हौली सीखने वाले नाल तुसी किस तरीके का व्यवहार करोगे। क्लास के मल्टीपल अपने को स्टूडेंट्स होंगे ने, हर एक बच्चे का कह लो सारे बच्चे यूनीक होंगे ने, इंडिविजुअल डिफरेंसेज उन्होंने पाए जाते हैं। कोई तुहाडी क्लास में स्लो लर्नर होंगे, कोई होंगे जो फास्ट लर्नर होंगे, तो जो स्लो लर्नरस ने उन्होंने किस तरीके की डीलिंग होनी चाहिए है, इस रिगार्डिंग अपना ही क्वेश्चन है जी।
ऑप्शनस ने थोड़िया इग्नोर हिम कि उसनों नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी गिविंग हिम मोर होमवर्क, उसनों होर वधेरे होमवर्क देना चाहिए, या ऑप्शन सी बीटिंग हिम उसनों मारना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी ट्रीटिंग हिम साइकोलॉजिकली उस नाल मनोविज्ञानिक रूप दे नाल विहार करना चाहिए। तो एज अ टीचर रिस्पोंसिबिलिटी बनती है जी, उस बच्चे नू भी पढ़ाना एक तुहाडी ही रिस्पोंसिबिलिटी है, उसनू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि सिखाना अपना जो है एज अ टीचर एक प्रोफेसन है जिकी है जिक पढ़ाना तुहाडे लई जरूरी है, बच्चे का पढ़ना भी जरूरी है। तो ये की होएगा तुहाडी ऑप्शनस की कह रही है कि बच्चे नू नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नो गिविंग हिम मोर होमवर्क कि उसनों ज़्यादा काम देना चाहिए जो उसनों मारना चाहिए, या फिर तुहाडी जो लास्ट ऑप्शन है कि बच्चे नू मनोविज्ञानिक तरीके दे नाल की करना चाहिए डील करना चाहिए। तो इत्थे एज अ टीचर रिस्पोंसिबिलिटी बनती है जी कि पहले बच्चे नू चंगी तरीके दे नाल जान लिया जाए, उसके ढंग नू ध्यान दिता जाए कि बच्चे दे जो है तुसी उस बच्चे नू किस तरीके दे नाल सिखा सकते हो, तो उसकी साइकोलॉजी नू समझना इत्थे जरूरी है। तो तुहाडा जो है राइट ऑप्शन बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की साइकोलॉजी नू समझना, उसके दिमाग नू पढ़ना कि वह किस तरीके दे नाल सीख सकता है, तो उस तरीके दी फिर तुसी अगर टैक्नीक्स यूज़ करते हो तो उस बच्चे नू भी एक वधिया लर्नर बना सकते हो। तो तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, अध्यापन सीखन प्रणाली का सब तो जरूरी तत् केड़ा है? ऑप्शनस ने जी लर्नर सिख्यार्थी, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी फिजिकल फैसिलिटीज़, या ऑप्शन डी सिलेबस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया दे विच जो है अध्यापन सीखन प्रक्रिया दे विच सब तो जरूरी तत् केड़ा है जी? तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए लर्नर। लर्नर तुहाडा की है सब तो इंपॉर्टेंट जो है तत् है जिसनों की है सिखाना, लर्नर नू की है तुसी की है जो है बच्चे नू लर्न करवा रहे हो, तो लर्नर ने जो तुहाडी की रिस्पोंसिबिलिटी है ये जो है सब तो इंपॉर्टेंट इहदा फैक्टर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज लर्नर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ अ स्टूडेंट आस्क यू क्वेश्चंस इन क्लास यू विल, जेकर विद्यार्थी क्लास विच तुहाडे कोलों प्रश्न पूछता है तां, ऑप्शनस ने जी आस्क हिम टू कम यू आफ्टर क्लास कि तुसी उसनू कहोगे कि क्लास तो बाद विच आके कि तुहाडे कोल आवे, ते इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी डिसकरेज हिम बाय सेइंग इट इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन कि उस यही मूर्खतापूर्ण सवाल है यही कह के उसनू डिसकरेज करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी एप्रीशिएट द इनिशिएटिव एंड विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन कि उसकी उद्यम की सराहना करके उत्तर की व्याख्या करनी चाहिए, या ऑप्शन डी आस्क सम अदर स्टूडेंट्स टू आंसर किसी होर विद्यार्थी नू उत्तर देने लिए कहूँगी। तो इस दे लिए तुसी की ऑप्शन चूज जो है थोड़ा की राइट आंसर बनता है जी, एज अ टीचर की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि बच्चे ने जो क्वेश्चन थानू पूछे है तुसी उस क्वेश्चन नू उस बच्चे नू की करो उस बच्चे नू उत्तर दो, उसनू जो उसका तुहाडा क्वेश्चन है तुहाडे एज अ टीचर रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि बच्चे दी प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करना, अगर वो तुहाडे कोल कोई डाउट लेके आ रहा है उसके माइंड विच कोई क्वेश्चन है तो तुसी उसनू सॉल्व करवाओ। तो इत्थे तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी एप्रीशिएट द इनिशिएटिव एंड विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, उहदे बच्चे दे की है बच्चे ने इनिशिएट किया अगे वध के आया तो इसलिए उसनू एप्रीशिएट करना, तो उसका जो क्वेश्चन है उसनू सही ढंग नाल उसके सामने उसकी व्याख्या करना, उसनू समझाना जो उसका क्वेश्चन है तुहाडा मेन टीचा है समझाना, तो उसनू की है तुसी सही ढंग दे नाल समझाना। तो तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी एप्रीशिएट द इनिशिएटिव एंड विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ टीचर टूवर्ड्स द स्टूडेंट शुड बी, अध्यापक की विद्यार्थियों प्रति समुचे तौर पर व्यवहार होना चाहिए है, एक टीचर का किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए है जी बच्चों के कोल? ऑप्शनस ने सिंपेथाइटिक्स हमदर्दी भरिया,
बी इनकरेजिंग उत्साहित करने वाला, जा अथॉरिटेटिव रोब वाला, या फिर हार्श एंड स्ट्रिक्ट कठोर अते सख्ती भरिया। तो एज अ टीचर किस तरीके का जी अपना बिहेव होना चाहिए ताकि जो बच्चा है थोड़े को जिसनों तुसी पढ़ा रहे हो, जिसनों तुसी सिखा रहे हो, तो उसके प्रति थोड़ा जो रवैया होना चाहिए वो हमदर्दी भरिया होना चाहिए ताकि बच्चा भी थोड़े को कंफर्टेबल फील करे तो अपनी प्रॉब्लम्स नू की करे डिस्कस करे तो हर एक जो है थोड़े सीखने दे विच भी की करे वो रुचि दिखावे। तो थोड़ा रवैया ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करता है कि थोड़ा रवैया किस तरीके का है। तो बच्चे के सामने एज अ टीचर थोड़ा रवैया हमदर्दी भरिया होना चाहिए। तो इस अपना राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉयट द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स टीचर शुड, विद्यार्थी दी शक्ति दा उत्थान करने लई अध्यापक उसनु की करना चाहिए जी। ऑप्शन इंगेज देम इन अ फील्ड वर्क, उनू फील्ड दे कम्मा विच लगाना चाहिए। ऑप्शन बी असाइन देम प्रोजेक्ट वर्क, उनू प्रोजेक्ट देने चाहिए ने, या सी प्रोवाइड देम एक्सेसिव लैबोरेटरी वर्क, उन्होंने लैबोरेटरी कम दा लैबोरेटरी दा ज़्यादा कम देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सारा कुछ ही यह जी कि तुहानू करना चाहिए। तो इसका तुहाडा जी है राइट आंसर की बनेगा कि बच्चे नू फील्ड कम देना चाहिए है। यस, बच्चे नू ज़्यादा कम जो है अगर तुसी कम जो नू सिखाना चाह रहे हैं तो उसने रिलेटेड की है तो उस नू कम देना पवेगा, फिर बच्चे दे की है सिख्या वो की है सही तरीके दे नाल ते सीख पावेगा। इससे बाद क्या उसनू प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी तुसी बच्चे नू सिखा सकते हो। इससे बाद क्या लैबोरेटरी दे विच कम देना वो दे थ्रू की होगी बच्चे दी लर्निंग होएगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा जी तुहाडा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरैक्टिंग द क्लास व्हाट यू विल डू, जेकर विद्यार्थी क्लास विच क्रियाशील नहीं हुंदे तां तुसी की करोगे। तुसी बच्चे नू पढ़ा रहे हो ते बच्चे है कि हन क्लास दे विच इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए एज अ टीचर की करना चाहिए है, रिव्यू द टीचिंग मटीरियल, अध्यापन के समान की समीक्षा करनी चाहिए है, चेंज द टीचिंग मैथड पढ़ाने के ढंग में तब्दीली लेके आनी चाहिए है, इनक्वायर अबाउट द इंटरस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की रुचि बारे जांच करोगे, या फिर सब कुछ करोगे। बच्चे नू पढ़ाने वेले अगर बच्चा इंटरस्ट नहीं दिखा रहा तो एज अ टीचर की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है जी कि पहला की है अपने तुहाडे की है टीचिंग मैथड नू दे उत्ते ध्यान दिता जाए कि तुहाडे मैथड्स इस तरीके दे नाल होने चाहिए कि बच्चा उस नाल इंटरैक्ट करे, बच्चा इंटरस्ट दिखावे अपना। इसके बाद रिव्यूइंग द टीचिंग मटीरियल, ये भी तुहाडा सही ऑप्शन बन रही है कि अपने समान की समीक्षा करना। इसके बाद विद्यार्थियों की रुचि बारे जांच करना कि बच्चा किस तरीके दे नाल सीखना चाह रहा है, बच्चे की साइकोलॉजी नू समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी कि बच्चे नू समझ के उसके समझ के अनुसार तुसी अगर उसनू समझा रहे हो, उसनू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो बच्चा बैटर वे दे नाल सीखेगा। तो तुहाडी इत्थे राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी ऑल दी अबव, रिव्यू द टीचिंग मटीरियल, चेंज द टीचिंग मैथड एंड इंक्वायर अबाउट द इंटरस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारी ऑप्शन अपने आनी है जी ऑप्शन नंबर डी थोड़ा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ डू नॉट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क बाय अ स्टूडेंट यू विल, जेकर तुसी किसी विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो तुसी की करोगे, ये क्वेश्चन है जी। ऑप्शंस ने स्कॉल्ड हिम उसनू डांटोंगे, ऑप्शन बी गिव टॉन्टिंग हिम उसनू ताने दोंगे, या सी एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो द आंसर, ये स्वीकार करोगे कि तुहानू इसका आंसर नहीं पता, या फिर डी कंसल्ट बुक एक्सपर्ट्स। ठीक है जी, आंसर बारे की है तुसी अपने किताबां तो जब माहिरां दे नाल सलाह करोगे उन्हां नाल, ते इससे तुहाडा की है राइट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी कंसल्ट बुक एंड एक्सपर्ट्स, अपने तो जेड़े की ने माहिरां दे नाल ते बुक्स द्वारा की है तुसी
जानने की कोशिश करोगी कि बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर की होएगा, यही जानना। तो बच्चे ने उससे बाद की करना, उससे प्रश्न का उत्तर देना। तो इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा एज अ टीचर रिस्पोंसिबिलिटी ऑप्शन नंबर डी। बच्चे द्वारा जो भी थानू प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्क शुड बी इनकरेज, प्रोजेक्ट काम नू उत्साहित करना चाहिए है। ऑप्शंस ने यस या ऑप्शन बी नो, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इस समय नू नष्ट करना है। ऑप्शन सी यस इट हेल्प्स पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, हाँ यह निजी संबंधा विच सहायता करता है। या डी नो स्टूडेंट यूज अनफेयर मीनस, विद्यार्थी नू अनुचित साधना की वरतों करते हैं। इसका थोड़ा राइट आंसर की बनता कि प्रोजेक्ट वर्क बच्चे नू देने चाहिए हैं। तो इसका अपना जी राइट आंसर बनेगा यस, प्रोजेक्ट कम उत्साहित करने चाहिए ने, करना चाहिए है, प्रोजेक्ट वर्क इनकरेज करने चाहिए ने। इसका थोड़ा जो ऑप्शन नंबर सी है वह भी पॉजिटिव है, बट ये इन्हें क्या है कि जो निजी संबंधा विच सहायता करता है, तो निजी संबंधा विच आप नहीं कह सकते। तो इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी की कह जाने प्रोजेक्ट काम को उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसका अपना राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे बाद अपने सामने जो पर्सनैलिटी है लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्हों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है मॉरल डेवलपमेंट, इन बारे जानते हैं जी। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट सन जिन्हों की थियोरी है मॉरल डेवलपमेंट, इस थियोरी के नाम के नाल जाने जाते हैं। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी दी है, जो खुद प्याजे वर्गे जो है साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने प्रभावित रहे ने। तो ने जो ही सर्वड एज अ प्रोफेसर इन अ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यह ग्रेजुएट जो ने उत्थे टीच कर चुके ने एज अ प्रोफेसर, तो शिकागो दे विच भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट दे विच। इन्हां दी जो थियोरी है मॉरल डेवलपमेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट थियोरी है, उस विच काफ़ी जो ने क्वेश्चनस बनते ने। इन्हां दी जो थियोरी है उस दे विच नैतिक वैल्यूज़ की गल की हुई है, नैतिक मुल्लां दी गल की हुई है, सही या गलत की पहचान की गल की हुई है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट थियोरी है जी, उसके नाल रिलेटेड भी जो तुहाडे कुछ क्वेश्चन ने उन्हां बारे भी आपां डिस्कस करांगे। अज दे लई इन्ना ही, धन्यवाद।